बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। कहानी वगैरह बहुत वीक रहा, पूरा विजुअल ट्रीट था, पैसा वसूल था। नो वन कैन बॉयकॉट दिस मूवी। बहुत ही अच्छी थी सबके लिए, मतलब वो मुंह पे ताला लगा देगी ये मूवी। स्टोरी वाइज थोड़ी वीक थी, बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो नहीं पसंद आई, बहुत अच्छी थी। कैसा लगा रणबीर आलिया बॉन्ड, लाइक केमिस्ट्री लाइक बहुत अच्छी लग रही थी, एंड फर्स्ट टाइम आए दोनों तो अच्छा था। जिस तरीके से ट्रेलर देखा था उस तरीके से लाइक वैसी मूवी थी। हाँ, मैं वहाँ पे भी बोला नो वन कैन बॉयकॉट दिस मूवी। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बहुत अच्छा था, स्पेशली देवा देवा सॉन्ग बहुत 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 अच्छा था। शुरू से आखिर तक मुझे ये मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले। एंड ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना बहुत टाइम से, हम देख रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, तो मुझे लगता है सबके लिए मतलब वो मुँह पे ताला लगा देगी ये मूवी। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, पूरा विजुअल ट्रीट था, पैसा वसूल था। म्यूज़िक जो भी मूवी के गाने हैं वो तो मूवी आने के पहले ही हम सब गुनगुना रहे हैं, और मूवी में वो गाने जो हैं बहुत बहुत मज़ा आया, गानों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बिल्कुल देखने से ये फुल पैसा वसूल मूवी है, कुछ भी बॉयकॉट ट्रेंड में मत जाओ, किसी में मत जाओ, यहाँ आके पता चलेगा तुम्हें कि क्या सही चीज़ तुम लोग मिस करने वाले थे। बिल्कुल देखो, बहुत अच्छी लगी है मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिफरेंट कैरेक्टर हैं सभी के, मतलब सुपर हिट है मूवी। मुझे ना सबके जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, मतलब मुझे इस टाइप की मूवी बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और जैसे अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत अच्छा था, और रणबीर आर्या की जो जोड़ी है वो सुपर हिट है ही, और भी बेस्ट दिखी इसमें, बाकी सुपर हिट है। बिल्कुल पसंद है। हमें तो नहीं पसंद आई, हम बहुत वेट कर रहे थे, मैं खासकर बहुत वेट कर रहा था फिल्म का, लेकिन फिल्म नहीं पसंद आ पाई। रणबीर और आलिया जिस तरीके से प्रोमो आया था तो सभी एक्साइटेड लग रहे थे। अरे मैं भी बहुत एक्साइटेड था, सब वही था, एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट में ही आ गए, लेकिन एक्साइटमेंट में पिक्चर बना दिया मुझे लगता है, दिमाग कम। उनका केमिस्ट्री तो है, वो तो रहेगा, वो है स्क्रीन पे अच्छा है, लेकिन वही है उसमें लोग हाँ लोग इन्जॉय करेंगे थोड़ा वो, लेकिन सिर्फ कहानी वगैरह बहुत वीक रहा। ब्रह्मास्त्र मूवी मुझे अच्छी लगी है, विजुअली तो बहुत ज़्यादा रिच थी, स्टोरी वाइज थोड़ी वीक थी, पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं अच्छा ही कहूँगा, एक गुड वॉच है, बहुत टाइम बाद कोई हिंदी फिल्म की। मूवी वॉज गुड, स्टोरी ठीक थी, बट VFX, एडिटिंग, पिक्चराइजेशन, जो सीन्स लिए वो बहुत परफेक्ट थे, और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो अच्छा था, तो आगे भी ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और जब ट्रेलर देख के जो एक वाव फैक्टर था, मतलब पूरे मूवी आई वॉज लाइक ग्लू टू दी स्क्रीन, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द स्टोरी, VFX और जस्टिफाइड VFX है। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन एंड द विजन इज़ वेरी पावरफुल। दी अयान मुखर्जी इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, नो डाउट, उनका जो डायरेक्शन वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग था। ऑल्सो सब ने बहुत ही अच्छे तरह से किरदार निभाया है, द एंट्री ऑफ अमिताभ बच्चन इज़ वेरी ग्रेट, ऑल्सो दी आफ्टर मेनी ईयर्स लव टू सी द डिम्पल कापड़े, हर लिटिल प्रेजेंस, एंड इसमें आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स 2018 के बाद शाहरुख खान की एक झलक देखने मिली आफ्टर जीरो। मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, मतलब हमारे सनातन धर्म के ऊपर इतनी प्रभावशाली मूवी, हमारा सनातन धर्म इतना स्ट्रांग है, इतना प्योर है, इतना वर्चुअस है, उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया गया है इन द राइट वे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मूवी का विजुअल इफेक्ट्स, VFX जो है इतने बढ़िया हैं, और अयान मुखर्जी का जो 10 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया वो दिखता है मूवी। सो मूवी बहुत बहुत ही अच्छी थी, और उसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली देव और अमृता की स्टोरी के लिए।